स्थानीय मोहन सिनेमा हॉल में भोजपुरी फिल्म नसीब के फिल्म प्रमोशन के फिल्म के अभिनेता गुंजन सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने केक काट कर अपने दर्शकों के साथ सेलिब्रेट किया। गणतंत्र दिवस के सबसे पहले आपको बधाई, और आज आपकी फिल्म नसीब का प्रमोशन करने के लिए पहुंचे हैं। क्या है फिल्म में खास और किस प्रकार से दर्शकों को ये पसंद आएगा? सबसे पहले सब क्योंकि भैया चाचा माई बहन भौजाई सब क्योंकि हम गुंजन सिंह पैर छू के प्रणाम करा तानी और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम अभी आरा के मोहन सिनेमा में बने और नसीब फिल्म कल रिलीज भइल बा पूरे बिहार झारखंड में, और बहुत अच्छा बम्पर ओपनिंग भइल बा, सबके आशीर्वाद मिला था। और ये नसीब फिल्म में खास बात ई बा कि एगो किसान के बेटा गाँव में एक गरीब परिवार के कैसे गायक बनता है, कैसे फिर सुपरस्टार बनता है, कितना प्रताड़ना मिलता है, कैसे कैसे आगे बढ़ता है, लोग कैसे सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी मतलब इसका नियम है जिस तरह से आगे बढ़ा लोग, किस तरह से दुविधा से, वो सब इसमें दिखाया गया है। एक रियल जिंदगी पे मेरा फिल्म बना हुआ है और सारे दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं। कौन कौन इसमें लीड रोल में है? लीड रोल में हमारे साथ हीरोइन में प्रियंका महाराज और काजल मिश्रा है, दो हीरोइन है, और प्लस अनूप अरोरा जी हैं, रंजीत सिंह भाई हैं सपोर्ट में भाई के रूप में, बाकी सारे कलाकार हैं। अच्छे अच्छे ये आपकी कौन सी फिल्म है भोजपुरी में? ये हमारी तीसरी फिल्म है। दर्शकों के बीच में क्या रिस्पॉन्स रहा है? अभी पहली फिल्म में आपकी काफ़ी हिट रही है। हाँ, इससे पहले खुददार आया तो भी बहुत बढ़िया चला, आरा में भी बहुत अच्छा चला, पूरी बिहार झारखंड बम्बई भी रिलीज हुई, वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त चला है। और अभी नसीब है, ये तो नसीब है, सबों का नसीब है, ये पिक्चर से तो और भी ज़्यादा उम्मीद है। और अभी सबों का जो ओपिनियन है, जो फिल्म देख कर जा रहे हैं, सारे लोग बहुत दिल से जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा पिक्चर है, और कैसा लगा उनको, कितने बार रोए, कितने बार हंसे, ये सब भी लोग बता रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है सुन के, सबों का प्यार मिल रहा है। तो क्या लगता है कि नसीब सुपरहिट हो पाएगी? ज़रूर ज़रूर, मुझे इसलिए लगता है कि जब हम पब्लिक के बीच में कल नवादा की निभा सिनेमा हॉल में गए थे तो हाउसफुल था, वहाँ भी सबों का बहुत पूरी पब्लिसिटी किए, पूरे बाजार में घूम के प्रमोशन किए, तो वहाँ भी अच्छा रहा। और पूरे बिहार का ओपिनियन देखा गया तो लगभग जगह का रिपोर्ट अच्छा है सब जगह। आगे आने वाले दिनों में कौन कौन सी फिल्में आने वाली है? आने वाली फिल्में हमारा है अभी 9mm पिस्टल, और फिर बलम रंगबाज है, और ये बजरंगी लाल, ये तीन पिक्चर बन के रेडी है, मतलब सिर्फ आना है। इस नसीब के बाद सब लाइन से आएगी, और भी मुहूर्त हुआ है क्रांति, और भी दो तीन चार पिक्चर जो लाइन से सब है। भोजपुरी फिल्म में किस स्टार के साथ काम करना पसंद करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, सब भाई हैं, सबके साथ काम करेंगे, कोई परहेज नहीं है, किसी से कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ जैसा रहेगा, अगर कोई हीरो और रहेंगे तो पैरेलल करेक्टर होगा तब काम करेंगे बराबरी में। नहीं, भोजपुरी फिल्मों में अक्सर देखा जाता है कि हीरो हीरोइन का जो एक केमिस्ट्री जम जाता है वो फिल्म में उन्हीं के साथ अक्सर होता है, ऐसा कभी होता है आप लोग? ऐसा भी चल रहा है, लेकिन ऐसा होता होना नहीं चाहिए ऐसा। देखिए, काम सबों के साथ करना चाहिए, हीरोइन चाहे हीरो जो भी हो, सब सब एक दूसरे से चेंज होते रहना चाहिए, लेकिन प्यार मोहब्बत जब क्योंकि हो जाला तो सटिए जला फिर कहीं में रहला फिल्म में सबके साथ करना है। फिल्म में कौन गाना कुछ खास है जिस फिल्म नसीब का जो? हाँ, इसमें सारे गाने अच्छे हैं, सब पब्लिक का जो रुझान है, जो कहना है तुम्हारा किया कि काजल मैट्रिक पास करे के। आपने क्या गाना उन्हें गाया है इस फिल्म में? हाँ, सब गाना तो आपके द्वारा गाया जो गाना है वो कि तुम्हारा किया के काजल मन करेला हमार घायल अतू ठुमुक ठुमुक के चलेलू बाजेला छमा छम पायल ए जन पल 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 याद तोहर तड़ पावेला है कि तोहर रूप जिगर में आके आग लगावेला। ये गाना बहुत दर्शक के अच्छा लगा था हॉल में, और भोजपुरी में हम पहला बार गाने गाना पहले हरियाणा में रहे ये गाना, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया गाना भोजपुरी में भी, और सब पब्लिक खूब इंजॉय कर रहे हैं इस पर। और इसमें मेरा मैट्रिक पास करे के गाना जी भी काफ़ी हिट रहे, वो भी गाना डाल गए बा, और सब बहुत अच्छा अच्छा सैड सॉन्ग है, सब गाना लगभग 12 गाना है।
पूरा भरपूर मसाला है। क्या मैसेज देंगे भोजपुर के लोगों को फिल्म को लेकर? यही कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से कि भैया एक अच्छा प्रयास भइल बा और आप सब हॉल तक पहुंचिए। मैं जब घूम रहा हूँ तो इतना भीड़ हो जा रहा है, हॉल तक लोग बहुत सारे पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूँ सबों से कि आप लोग हॉल तक आइए, सेल्फी इतना खिंचाओ तड़े लोग। हम ये सोचे तड़े कि जितना खिंचाओ तड़े अगर उतना भी पहुंच जाए लोग तो का से का हो जाए। लेकिन ये संदेश इसलिए हम बोल रहे हैं कि मेरे अपने हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे श्रोता हैं, मेरे चाहने वाले हैं। तो दिल का फीलिंग्स है कि जो लोग देख रहे हैं सिर्फ देख के हॉल तक पहुंचेंगे तब भी कोई खड़ा हो पाएगा और भोजपुरी का कल्याण होगा इसी से। नहीं तो क्या होगा ना, आगे चल के सारे सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे भोजपुरी के। लगभग बहुत सारे सिनेमा हॉल बंद हो चुके हैं पब्लिक नहीं जाने के कारण से। बाहर में 1000 का भीड़, प्रोग्राम में 1 लाख के भीड़, 4 लाख के भीड़, 5 लाख का भीड़, और हॉल लाइए तो 100-200 का भीड़। तो ये भीड़ पूरा चाहिए, जो बाहर है वो आप अंदर आइए और इसको देखिए। ऐसे हिट हो रहा है, पिक्चर तो हिट हो ही रहा है, लेकिन वो भरपूर मात्रा में वो जोश उस एनर्जी से लोग को आना चाहिए सिनेमा हॉल में। यही मैं चाहता हूँ अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भैया हॉल आइए। और अभी नसीब फिल्म लागल बा, बम्पर हिट बनाई, और भी जो फिल्में आए सबको प्यार दीजिए और सब